कल दिल्ली में जो वायलेंस हुआ रिपब्लिक डे के दिन लाल किले के पास, उस चीज़ बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है वो। और हम चाहते हैं कि ये कल के इंसिडेंट को लेकर पूरा का पूरा जो किसानों का जो एक आंदोलन चल रहा है पिछले 2 महीने से, एक शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, उसका नाम खराब करने की जो कोशिश की जा रही है वो बहुत गलत है। एक इंसिडेंट को लेकर पूरे के पूरे एक मूवमेंट का नाम खराब नहीं कर सकते और पूरे के पूरा मूवमेंट को ही आप बदनाम नहीं कर सकते। दूसरी अहम चीज़ ये है कि किसानों ने खुद कहा है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें किसान की मूवमेंट शामिल नहीं थे, बल्कि चंद ऐसे ग्रुप्स थे जो किसान मूवमेंटों के साथ नहीं थे। तो इसलिए ऐसे चंद ग्रुप के काम के लिए आप पूरे के पूरे जेन्युइन किसान के आंदोलन को बदनाम नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है कि जो वायलेंस किले लाल किले के पास हुआ, अगर हम उसका हम खंडन करते हैं, उसको हम अगर कंडेम करते हैं, तो उसके साथ साथ जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, उसको भी कंडेम करने की ज़रूरत है। दोनों तरफ से जो वायलेंस हुआ, दोनों वायलेंस को आपको कंडेम करना ज़रूरी है। और आखिरी बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेंड हमारे मुल्क के अंदर देख रहे हैं कि जब भी कभी भी कहीं पर आवाम गवर्नमेंट के किसी पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, जेन्युइन पीसफुल प्रोटेस्ट करती है, हम देखते हैं कि आखिरकार कहीं जाकर कुछ एक इंसिडेंट हो जाता है और उस इंसिडेंट से पूरे के पूरे इस मूवमेंट को बर्बाद किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक छोटा सवाल हमें पूछना है कि जो एक मूवमेंट इतना अच्छी तरीके से चलता है पूरे मुल्क भर में, आखिर में एक मूवमेंट में जाकर उसमें इंसिडेंट हो जाता है, तो इससे फायदा किसे हो रहा है? इससे फायदा किसे हो रहा है कि ये पूरे के पूरे मूवमेंट को जब बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करने से किसे फायदा हो रहा है, एक सवाल है। तो ये एक ट्रेंड बहुत ही खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि आगे भी ऐसा हो सकता है कि जब भी कभी भी ऐसे एक जेन्युइन कॉज के लिए लोग प्रोटेस्ट करें, उसको डिफेम करने की कोशिश की जा सकती है एक इंसिडेंट को लेकर। आखिर में हम डिमांड करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सेटअप किया जाए एक जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में, ताकि क्या हुआ, इंसिडेंट कब शुरू हुआ, किस वजह से शुरू हुआ, किसने इंस्टिगेट किया, इसके पीछे कौन थे, ये लोगों के सामने आए, ताकि जो असल कल्प्रिट्स हैं वो सामने आए और ये पूरे के पूरा जो है किसानों का आंदोलन है जो इतनी शांतिपूर्वक चल रहा है, उस आंदोलन को बदनाम न किया जाए, बल्कि उसके जो डिमांड्स हैं उस डिमांड्स को गवर्नमेंट माने, ताकि किसान अपने घरों को वापस जा सके।